आप अक्सर समझते होंगे और आप सोचते होंगे कि क्योंकि आप लोग बहुत युवा हो, हम लोग भी युवा हैं पर इतने युवा नहीं है जितने कि आप हो। तो आप लोग समझते होंगे कि क्या हुआ है 2014 में, जो ये कोई आसमानिया सा काम हुआ है कि आप लोगों ने वो वक्त नहीं देखा है, हम लोगों ने वो वक्त देखा है। जैसे हमारा देश जो है कई सदियों की गुलामी के बाद जब स्वतंत्रता से निकला था दोस्तों, तो उस टाइम पे एक मनुष्य की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो कितना जीवन जीता था, 28 साल तक का ऑन एन एवरेज जीवन जीता था। भूखमरी से ग्रस्त, रोगों से ग्रस्त और गरीबी से बहुत बुरी तरह से ये देश ग्रस्त था। उसके बाद समय बीता, कई दशक बीते, हम लोगों ने कुछ कच्चे पक्के मकान तो बना लिए, कुछ खाने को तो हमने जुगाड़ लिया, लेकिन फिर भी ये देश एक जैसे कोई क्रिपल होता है, जैसे कोई ग्रस्त होता है, उस तरह से इस देश की आत्मा थी। वो ऐसा क्यों था? क्योंकि हमारा जो स्वाभिमान है, हमारा जो आत्मविश्वास था और हमारा जो आत्मसम्मान है, वो इन स्वतंत्रता ने तार तार कर दिया था। लेकिन जब यहां पर उसी विदेशी सोच विचार वाली सरकार आई, उन्हीं की एक एक्सटेंशन या उन्हीं की एक सरकार वो कही जा सकती है, वो महिलाएं भी विदेशी मूल की थी, उनकी सोच भी, जो उनके सब कर्मचारी थे वो भी विदेशी मूल की ही सोच रखने वाले थे, उन्होंने हमारे आत्मसम्मान को झंझोड़ के रख दिया, ऐसा कर दिया कि भारतीय होना या भारतीयता की बात करना, अपने धर्म की, अपने संस्कार, अपने संस्कृति की बात करना एक शर्मिंदगी से भी बदतर होता था। लेकिन इस बात पर हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किला से बोला और उन्होंने इस मानसिकता को, जो कि हमारे जो चेतना शक्ति है उस पर एक घाव की तरह है, उन्होंने इसे एक नाम दिया। उन्होंने कहा गुलामी का चिन्ह, और उन्होंने हरेक भारतीय को कहा कि इस दोस्तों, आज मेरे बहुत युवा दोस्त आज यहाँ आए हैं। आप अक्सर समझते होंगे और आप सोचते होंगे कि क्योंकि आप लोग बहुत युवा हो, हम लोग भी युवा हैं पर इतने युवा नहीं है जितने कि आप हो। तो आप लोग समझते होंगे कि क्या हुआ है 2014 में, जो ये कोई आसमानिया सा काम हुआ है कि आप लोगों ने वो वक्त नहीं देखा है, हम लोगों ने वो वक्त देखा है। जैसे हमारा देश जो है कई सदियों की गुलामी के बाद जब स्वतंत्रता से निकला था दोस्तों, तो उस टाइम पे एक मनुष्य की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो कितना जीवन जीता था, 28 साल तक का ऑन एन एवरेज जीवन जीता था। भूखमरी से ग्रस्त, रोगों से ग्रस्त और गरीबी से बहुत बुरी तरह से ये देश ग्रस्त था। उसके बाद समय बीता, कई दशक बीते, हम लोगों ने कुछ कच्चे पक्के मकान तो बना लिए, कुछ खाने को तो हमने जुगाड़ लिया, लेकिन फिर भी ये देश एक जैसे कोई क्रिपल होता है, जैसे कोई ग्रस्त होता है, उस तरह से इस देश की आत्मा थी। वो ऐसा क्यों था? क्योंकि हमारा जो स्वाभिमान है, हमारा जो आत्मविश्वास था और हमारा जो आत्मसम्मान है, वो इन स्वतंत्रता ने तार तार कर दिया था। लेकिन जब यहां पर उसी विदेशी सोच विचार वाली सरकार आई, उन्हीं की एक एक्सटेंशन या उन्हीं की एक सरकार वो कही जा सकती है, वो महिलाएं भी विदेशी मूल की थी, उनकी सोच भी, जो उनके सब कर्मचारी थे वो भी विदेशी मूल की ही सोच रखने वाले थे, उन्होंने हमारे आत्मसम्मान को झंझोड़ के रख दिया, ऐसा कर दिया कि भारतीय होना या भारतीयता की बात करना, अपने धर्म की, अपने संस्कार, अपने संस्कृति की बात करना एक शर्मिंदगी से भी बदतर होता था। लेकिन इस बात पर हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किला से बोला और उन्होंने इस मानसिकता को, जो कि हमारे जो चेतना शक्ति है उस पर एक घाव की तरह है, उन्होंने इसे एक नाम दिया। उन्होंने कहा गुलामी का चिन्ह, और उन्होंने हरेक भारतीय को कहा कि इस गुलामी